जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 3 दिवसीय दौरे के प्रथम दिन रात्रि विश्राम मुंशीगंज स्थित HAL गेस्ट हाउस में करने के बाद आज दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री संग्रामपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जरौटा बदलापुर बनवीरपुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण हेतु तत्काल अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस दौरान अमेठी जनपद का प्रशासनिक अमला भी केंद्रीय मंत्री के साथ साथ मौजूद है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा, DPRO श्रीकांत यादव, SDM प्रीति तिवारी सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारी जनसंवाद कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्री को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जगह जगह पर लोगों की समस्याएं सुनते हुए केंद्रीय मंत्री मौके पर मौजूद अधिकारियों के माध्यम से उसका निस्तारण कर रही है। ऐसे में बनवीरपुर गांव में चौपाल के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात करते हुए केंद्रीय मंत्री से ग्रामीणों ने आवारा पशुओं को लेकर की जमकर शिकायत। ग्रामीणों की शिकायत को तत्काल अमेठी सांसद ने गंभीरता से लेते हुए अपनी नाराजगी दिखाई और वहां पर मौजूद खंड विकास अधिकारी और SDM को तत्काल गौशाला बनाने के निर्देश दिए। अमेठी की उप जिलाधिकारी प्रीति तिवारी ने रविवार को गौशाला हेतु जमीन चिन्हांकन करने का आश्वासन दिया, जबकि खंड विकास अधिकारी ने जमीन चिन्हांकन के 2 दिन बाद से निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही। तब जाकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की नाराजगी कम हुई और उन्होंने जनता को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए आश्वस्त किया। बनवीरपुर से निकालकर केंद्रीय मंत्री गुजीपुर जाते समय रास्ते में शहजीपुर हाल्ट के पास झारखंड में अति प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचकर माथा टेका और वहां पर मौजूद लोगों को प्रसाद भी वितरित किया। इसको थोड़ा मुझे टाइम फ्रेम बता देंगे, मोबाइल नंबर एक हफ्ते में सर करा देंगे पक्का। ठीक, क्या नाम बेटा तेरा? करण। ये पिताजी का है क्या नाम? मिले कहा है? तो करण साहब से तुम्हारा ये दे रहे हैं, ये पिताजी का नंबर है। प्रशासन से SDM साहब, CMO साहब सब यहाँ पधारे हैं। आवास का अगर किसी का एप्लीकेशन रह गया हो, कॉलोनी का, डॉक्टर का कोई काम हो, पुलिस के विभाग के साथ अगर कोई काम हो, पेंशन में अगर कोई मुसीबत आ रही हो, तो यहाँ पर सभी अधिकारी आए हैं। आप अगर कोई निवेदन का पत्र लेकर आए हैं तो अधिकारी अभी ताबड़तोड़ पत्र लेकर जो भी सुविधा प्रदान कर रही है वो कर देगी। जिसके पास है कोई एप्लीकेशन है, निवेदन का कोई पत्र अगर होगा तो अभी दिलवा देंगे। एक मिनट इकट्ठा करने इकट्ठा क्या होता है कॉलोनी क्या इकट्ठा क्या खबर है? अभी आवाज का 5 मिनट दोगे? आवाज का जो एप्लीकेशन लिया है, टोपी वाले घटाओ यार, टोपी वाले घटाओ, टोपी का किनारे किनारे उधर सारे हैं। आवाज का अगर किसी का एप्लीकेशन रह गया हो, कॉलोनी का, डॉक्टर का कोई काम हो, पुलिस के
के बीमार के साथ अगर कोई काम हो, पेंशन में अगर कोई मुसीबत आ रही हो, तो यहाँ पर सभी अधिकारी आए हैं। आप अगर कोई निवेदन का पत्र लेकर आए हैं तो अधिकारी अभी ताबड़तोड़ पत्र लेकर जो भी सुविधा प्रदान करनी है वो कर देंगे। इसके पास है कोई एप्लीकेशन है, निवेदन का कोई पत्र अगर होगा तो अभी दिलवा देंगे। वंदे भक्त जनाश्रयम् च वरदम्, वंदे शिवम् शंकरम् लोकाभिरामम् नरराङ्गधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथम् तारुण्य रूपासु कृतद्वा मारुतः प्रश्नेषु जग्मयः अग्निर्जिह्वा मानवः पूरन्नरिः भद्रं कणेः वंदे देव दिल बना कैसे दादी सर दादी सुन लो क्या बोला था। अभी सबने कहा गौशाला चाहिए, उसका प्रस्ताव जो है गांव से आएगा, गांव में प्रस्ताव बनाने वाला एक गांव से प्रस्ताव भेजने वाला ये अधिकारी है। दीदी गौशाला वाले खुद ही जानवर छोड़ जाते हैं लाके, यहाँ गौशाला वाले खुद ही छोड़ देते हैं जानवर। दीदी कह रहे हैं ना, सुनिए ना, दीदी उसको क्यों डांट रहे हो, रोकता है, मदद कर रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, हम सुन रहे हैं ना मैडम। भैया उसको पहले डीपीआर तो बना के देने दो, क्या कर रहे हो, जो भी हो तुम रुक जा भाई, सबको क्यों डांट रहे हो, घर में बीवी से झगड़ा है, बाकियों पे निकाल रहे हो। दीदी आराम से अब जो बोल रहे हो सुन लो, ये बना के प्रस्ताव देगा, यहाँ पर मैडम खड़ी है, वो प्रस्ताव पारित करेंगे, बन जाएगा। मैडम बताओ ये कल प्रस्ताव दे रहे हैं, कब तक बना देंगे, कल ही प्रस्ताव देंगे हम, तुरंत चिन्हांकन करा देंगे, उसके बाद विकास कार्य करने तुरंत। आप मुझे टाइम लाइन बताओ, मैम कल प्रस्ताव दे देंगे हम, संडे को चिन्हांकन करेंगे, रविवार को चिन्हांकन के लिए टीम आ जाएगी, फिर बनना वीडियो साहब, रविवार को चिन्ह हो जाएगा, उसके बाद कितना समय, समय बताइए, एक सेकेंड, दो दिन बाद ही काम लग जाएगा, काम लग जाएगा, दो दिन में काम लग जाएगा, लग जाएगा। मतलब रविवार को चिन्हित हो जाएगा, मंगलवार को काम लग जाएगा, काम लग जाएगा। पक्का ना, पक्का। ना लगे काम मंगलवार तक, राजेश भैया को जानते हो, पहुंच जाओगे ना, बता देना राजेश को, सुधांशु को जानते हो, पहुंच जाना सुधांशु तक, मंगलवार तक अगर काम ना शुरू हो तो ठीक ना, शांति में देखो कितना काम हो रहा है।